असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन जो है इसका स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज़ कौन से हैं, किस तरह स्पोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स के अंदर स्केलेटन है, इसी तरह मसल्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज है, ये किस तरह हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल हैं, वो किस तरह टर्जिड रहते हैं, बिल्कुल सख्त रहते हैं, और यंग जो स्टेम है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे प्लांट के अंदर सपोर्ट। फिर हम देखेंगे कि मूवमेंट्स एनिमल जब करते हैं तो मूवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह प्लांट्स जो मूवमेंट शो करते हैं, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, तो उन मूवमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में पहली चीज़ हम देखते हैं मूवमेंट। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है मूव करना, और दूसरी होती है मूवमेंट की एक टाइप, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। अब जो एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों मूव करते हैं, ठीक है। मूव का मतलब ये है कि अपनी जगह पर खड़े हैं, और जस्ट जिस तरह ह्यूमन अपनी जगह पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अपने बाजुओं को हिला रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, उसकी जो स्टेम है वो हल्की सी मूव कर रही है हवा की वजह से, तो दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। तो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों जो है वो मूव करते हैं, दोनों मूवमेंट शो करते हैं। अब एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है कि एनिमल शो लोकोमोशन, एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, जबकि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, तो ये मूवमेंट की टाइप है लोकोमोशन। तो एनिमल और प्लांट्स मूवमेंट तो शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स लोकोमोशन भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते। ये जहाँ पर होते हैं, फिक्स होते हैं, उसी जगह पर ये जस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट की तरफ आते हैं। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स नीड स्पोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो एनिमल और प्लांट को खड़ा होने के लिए, स्ट्रेट रहने के लिए स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। अब स्पोर्ट में अगर हम प्लांट्स के बारे में देखें, तो जो बेबी प्लांट्स हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, उनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलन काइमेटस सेल्स। ये सेल क्या करते हैं? स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अडल्ट प्लांट्स जो होते हैं, जिस तरह दरख्त वगैरह हैं, उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। तो बेबी प्लांट्स या यंग प्लांट्स के अंदर कोलन काइमेटस सेल्स होते हैं, जो स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और अडल्ट प्लांट्स के अंदर स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें, तो एनिमल्स के अंदर मसल्स होते हैं, इसके अलावा कार्टिलेज होती है और बोन होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी, फर्दर डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट के अंदर सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से सेल्स किस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी डिटेल हम देखते हैं। प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स का आपको पता है, जिसमें स्टेम आती है, उसके अलावा लीव्स आते हैं, रूट्स आती हैं। अब इन ऑर्गन्स के अंदर से जो स्टेम है, उसके दो मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन उसका क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। और दूसरा मेजर फंक्शन, स्टेम एक्ट करती है एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जड़ों से पत्तों तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो स्टेम है, उसके अंदर जो सप्लाई लाइन होती है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट, फॉर एग्जांपल टू शूट्स और डिफरेंट ब्रांचेस और टू लीव्स। तो ये स्टेम के दो काम हो गए, सपोर्ट प्रोवाइड करना और सप्लाई लाइन का काम करना बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। स्टेम के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर, जो फिनोमिना है, दैट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर, जो स्टेम को बिल्कुल सीधा रखने में हेल्प करता है। लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब इसको समझने के लिए हम पहले स्टेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर स्टेम को काटा जाए, तो स्टेम के सबसे बाहर जो लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, उसके बाद आती है कोलन काइमा एंड पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर। तो ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉर्टेक्स। तो आउटर मोस्ट लेयर स्टेम की एपिडर्मिस है, नंबर वन। जो सेकेंड लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और सेंटर में जो एरिया, ये लाइट ब्लू कलर का जो हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पिथ। तो तीन जो है वो स्टेम के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। अब देखें कि इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ के जो लिविंग सेल्स होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेल स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, फूल जाता है। डेफिनेटली जिस तरह गुब्बारा है, उसके अंदर पानी आ जाएगा, तो जो गुब्बारा है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इसी तरह ये सेल जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये स्वेल कर जाते हैं। जब स्वेल करते हैं, तो इनके अंदर पानी का एक प्रेशर आ जाता है, इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक डिवेल्प हो जाता है सेल्स के अंदर,
और इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम कहते हैं क्या है, टर्गर प्रेशर। अब देखें यहाँ पर जितने भी सेल्स होंगे, जब सारे के सारे सेल्स है वो स्वेल कर जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो पूरा पूरी स्टेम है वो भी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये जो प्रेशर है ये कीप देम रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बेंड, ये जो प्रेशर है ये स्टेम को बेंड नहीं होने देता और उसको बिल्कुल सख्त रखता है, ठीक है। तो यूँ टर्गर प्रेशर, इसकी डिटेल हम फर्दर भी आगे देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर है जो प्लांट को जो है वो इरेक्ट होने में, सीधा होने में हेल्प करता है, सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है स्पोर्टिंग प्लांट्स में फर्दर जो सेल्स हैं, कोलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ये हाईली लिग्निफाइड सेल्स हैं, इनके अंदर एक केमिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड लिग्निन, ठीक है। लिग्निन जो है वो हार्ड कर देता है इन सेल्स को, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। इसके अलावा जाइलम, ठीक है, ये जो वेस्कुलर बंडल ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं। इसके वेस्कुलर बंडल में सबसे ऊपर जाइलम है, उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके बाद क्या है, फ्लोएम, ठीक है, और लास्ट पर बंडल शीथ। तो ये जो जाइलम है ये एक्चुअली काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनकी। और जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जो ये सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ये कहाँ पर होते हैं, ये कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। और इसके अलावा जो जाइलम है वेस्कुलर बंडल के, जाइलम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल की जो जाइलम है ये क्या होती है, टफ़ होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और ये ऐसे ही काम कर रही है जिस तरह एक स्टील के रॉड्स होते हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो अगर पिलर बनाते हैं तो उस पिलर के अंदर स्टील के रॉड डाले जाते हैं और उनके गिर्द जो है कंक्रीट होता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है वो। तो इसी तरह ये स्टेम है, स्टेम के अंदर ये जो जाइलम है ये एक्ट कर रहा है एज अ स्टील रॉड्स, तो इसकी वजह से ये पूरे का पूरा जो स्टेम है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। रिंग अरेंजमेंट इन स्टेम प्रोवाइड इफेक्टिव रेजिस्टेंट टू विंड स्ट्रेस एंड वेट बेयरिंग एबिलिटी। अब जो रिंग, ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से स्टेम बेंड नहीं होती और जो प्लांट का वेट है उसको स्टेम बियर कर सकती है, ठीक है। और हवा की वजह से भी स्टेम जो है वो बेंड नहीं होती, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। बंडल कैप के बारे में देखें, वेस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथन्ड बाय एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स फॉर्मिंग बंडल कैप, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इनके गिर्ड जो है वो एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की जो है वो कैप्स होती हैं, शीट्स होती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, बंडल कैप बनाती हैं। तो ये अगेन जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प करती हैं किसमें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। हमने पीछे देखा था ट्रिगर प्रेशर, इस ट्रिगर प्रेशर का थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ वैक्यूल। इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप के पंप होते हैं जो साइटोप्लाज्म से लगातार आयंस को मूव करवा रहे हैं इनटू द वैक्यूल। तो साइटोप्लाज्म से लगातार आयंस और सॉल्ट्स जो हैं वो वैक्यूल के अंदर आते जाते हैं, जिसकी वजह से जो वैक्यूल का अंदर वाला एरिया ये हाईली कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसके कंसनट्रेटेड होने की वजह से पानी ऑटोमेटिकली मूव करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द वैक्यूल। जैसे ही पानी वैक्यूल के अंदर मूव करेगा तो उसकी वजह से वैक्यूल स्वेल कर जाएगा। जब ये स्वेल करेगा तो ये साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स हैं इन पर प्रेशर डालेगा, इस प्रेशर की वजह से जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो यूँ वैक्यूल के अंदर आयंस आते हैं लगातार, उनकी वजह से फिर पानी अंदर मूव करता है और वैक्यूल स्वेल कर जाता है, और इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर जो है वो फिर स्टेम को या प्लांट को बिल्कुल सीधा रहने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी वैक्यूल का अहम रोल है किसके अंदर, टर्गर प्रेशर के अंदर।